दिसंबर में रणबीर कपूर और शाहरुख खान की फिल्म एनिमल और डंकी रिलीज हो रही है। हर तरफ इन दोनों फिल्मों का शोर है, सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी हो रही है। मगर इसी बीच एक ऐसी फिल्म सिनेमाघरों में आ रही है जो अपने दृश्यों से रोंगटे खड़े करती है। मनोज बाजपेयी की फिल्म जोरम 8 दिसंबर को रिलीज होगी और शुक्रवार को इस फिल्म का ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया गया है। ये फिल्म मनोज बाजपेयी की अदाकारी की क्षमता का एक और बेहतरीन नमूना है। जोरम मुख्य रूप से सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसमें मनोज आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के शख्स दसरू का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी नवजात बच्ची को सुरक्षित स्थान तक ले जाने के लिए भाग रहा है। पुलिस और सिस्टम उसके पीछे पड़ा हुआ है। हालांकि ट्रेलर में पूरी कहानी नहीं खोली गई है, लेकिन दृश्य बता रहे हैं कि जोरम मनोज बाजपेयी की बेहतरीन अदाकारी से सजी फिल्म है। दृश्य कौतूहल पैदा करने के साथ भावुक भी करते हैं। जोरम कई फिल्म फेस्टिवल में सराही जा चुकी है। इस पर बात करते हुए एक्टर मनोज बाजपेयी ने कहा कि मैं जोरम का हिस्सा बनकर रोमांचित हूँ। अब तक हमें जो रिएक्शन मिले हैं, उसके लिए मैं हर किसी के ट्रेलर दिखने के लिए बहुत ही उत्साहित हूँ। फिल्म के लेखक निर्देशक देवाशीष मखीजा ने कहा कि ये सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा है जिसमें कई तरह के संघर्ष के बाद भी एक व्यक्ति कैसे एक उम्मीद के साथ आगे बढ़कर जिंदगी जीने के लिए कई तरह के मुश्किलों का सामना करता है। मोहम्मद जिशान अय्यूब जो कि फिल्म में रत्नाकर नाम के पुलिस कर्मी का किरदार निभा रहे हैं, उन्होंने जिसको लेकर जिशान कहते हैं कि वो किसी ऊंची पोस्ट पर नहीं है और सामाजिक स्तर पर वो सबसे निचले पायदान पर है। यहाँ तक कि अपने सहकर्मियों के बीच वो काफी दबा हुआ और नीचा है। मैं शहर में पला बढ़ा हूँ, इस फिल्म के लिए पहली बार जंगलों और लोहे की खदानों में गया। इससे मुझे ये एहसास हुआ कि मैं रत्नाकर के किरदार से कितना जुड़ सकता हूँ। साथ ही इससे हमें ये भी पता चलता है कि जिंदगी ने हमें जो भी दिया है, हमें उसे कद्र करनी चाहिए। वेल बता दें कि मनोज बाजपेयी की सिनेमाघरों में आखिरी फिल्म सूरज पे मंगल भारी है रिलीज हुई थी, जो साल 2020 में आई थी। इसी बीच उनकी फिल्में और सीरीज ओटीटी पर आती रही हैं। मनोज की पिछली फिल्म सिर्फ एक बंदा काफी है जरूर ओटीटी के बाद सीमित स्क्रीन पर रिलीज हुई थी। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।